हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं उन्हीं साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था कि अगर आपको स्ट्रिंग लेंथ नहीं पता है तो आप लास्ट पे कौन सा लेटर है ये कैसे पता कर पाएंगे। अगर स्ट्रिंग लेंथ पता है तो लेंथ माइनस वन आप कर दोगे, लेंथ काउंट करके लेंथ माइनस वन आप कर दोगे, तब तो वो डायरेक्टली पता चल जाएगा। लेकिन स्ट्रिंग का लेंथ मान लीजिए आपको पता ही नहीं है, अभी तो आपने लेंथ फंक्शन पढ़ा ही नहीं है कि लेंथ कैसे कैलकुलेट कर, तो कैसे पता कर पाएंगे। तो चलिए अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके देखते हैं कि आखिर हम ऐसा कैसे कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, एक नेम वेरिएबल में कोडर असाइन किया है और 10, अगर मैं 10 करता हूं तो क्या होगा, जरा फिर से दोहराइए। जी हाँ, स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड देना चाहिए, मतलब आउट ऑफ रेंज 10। एक्चुअली मैंने इस प्रोग्राम को सेव नहीं किया, तो पहले मुझे सेव करना होगा इस प्रोग्राम को। और सेव किया मैंने, यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ रहा था, मतलब 1 आपने उसमें अपडेशन किया था। तो मैंने इसको किया तो देखिए स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब ये इंडेक्स इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये टोटल 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स तक चलेगा और 4 इंडेक्स में मुझे क्या मिलेगा, आर मिलेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे तो पता है कि 4 इंडेक्स में मुझे अंतिम वाला लेटर मिल जाएगा, लेकिन मान लीजिए मुझे 4 लेटर पता ही नहीं रहा, तब क्या करेंगे। जैसे ये एक बार है CODER, C0 पे 1, 2, 3, 4 ऐसे है, ठीक है। तो अगर आपको रेंज नहीं पता है तो आप सिंपल क्या करिए कि यहाँ पे रेंज नहीं पता है तो सबसे लास्ट वाला जो लेटर होता है वो -1 पे होता है, अगर आप नीचे से इंडेक्सिंग करना शुरू करें तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा, नीचे से भी आप इंडेक्सिंग ऐसे कर सकते हो, -3 और ये हो जाएगा आपका -4 और ये हो जाएगा क्या आपका -5, ठीक है। तो ये यार पूरा का पूरा प्रोग्राम हो गया। अच्छा, अभी भी आप ऐसा अगर करेंगे 4 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, मतलब ये कन्वेंशन है कि आप नीचे से भी उसका इंडेक्सिंग कर सकते हैं और ऊपर से भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, -1 लिख देंगे। कितना भी बड़ा स्ट्रिंग हो, -1 अगर इंडेक्स आप एक्सेस करोगे तो आपको अंतिम वाला लेटर मिलेगा मिलेगा, ठीक है। तो ये यार था। अच्छा, अगर आप यहाँ पे -4 करोगे तब क्या मिलेगा, देखते हैं। -4 करने पे यहाँ पे क्या मिलता है, तो -4 करने पे मुझे O मिलेगा, मतलब -4 पे देखिए मेरा क्या है, तो -4 पे मेरा O है, ठीक। आई होप कि ये बातें आप समझ पा रहे होंगे, मतलब -1 पे क्या है, -1 पे आप अंतिम वाला लेटर एक्सेस कर सकते हो, मेरे बताने का मेन मकसद यही था। और जो लेंथ होता है स्ट्रिंग का, जो लेंथ होता है अगर उसमें माइनस लगा के आप करोगे, जैसे इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। तो स्ट्रिंग का लेंथ 5 है, तो आप क्या करोगे, -5 अगर कर दोगे तो पहला वाला लेटर आपको मिल जाएगा। देखिए -5 माइनस किया तो मैंने पहला वाला लेटर कैपिटल सी मुझे मिल गया। तो यार स्ट्रिंग इंडेक्सिंग पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म करता हूँ। आई होप कि स्ट्रिंग इंडेक्स का दोनों लेक्चर, लेक्चर 10 और लेक्चर 11 जो आपको समझ आया होगा, और ऐसा है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब तो कर ही दो। थैंक यू।